नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बिहार में लगेगा प्रदूषण पर लगाम, 25 जिलों में लागू होगा अपग्रेडेड एक्शन प्लान। बिहार में स्टार्टअप के लिए यहां से कर सकते हैं आवेदन। राज्य में 7 और नए यातायात जिले बनाने को मिली मंजूरी। 1 दिसंबर से आपके जीवन से जुड़े इन नियमों में हो सकता है बदलाव। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद गिल और अय्यर को हुआ फायदा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BEL ने 260 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। BEL ने विभिन्न डिसिप्लिन में प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनिंग इंजीनियर के कुल मिलाकर 260 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ BE, BTech, BSc पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.bel-india.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे उदित नारायण की। उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर यानी कि आज 1955 को हुआ था। ये एक भारतीय पार्श्व गायक है जिनके गाने मुख्य रूप से हिंदी भाषा की बॉलीवुड फिल्मों में दिखाए गए हैं। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली सहित अन्य कई भाषाओं में गाना गाया है। उन्होंने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं और 20 नामांकन के साथ 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। 1980 में बॉलीवुड प्लेबैक में डेब्यू करने के बाद भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। वह 3 दशकों 1980, 1990 और 2000 के दशक में फिल्म फेयर अवार्ड्स के इतिहास में एकमात्र पुरुष गायक हैं। 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक की सफलता के बाद जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई, उनके योगदान को स्वीकार करते हुए नेपाल के महामहिम राजा वीरेंद्र वीर विक्रम सहदेव ने उन्हें 2001 में प्रबल गोरखा दक्षिण बहु से सम्मानित किया, जिसके बाद भारतीय सिनेमा और संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2016 में उन्हें सम्मानित किया गया। अब बिहार में लगेगा प्रदूषण पर लगाम, 25 जिलों में लागू होगा ग्रेडेड एक्शन प्लान। बिहार राज्य में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और उस पर लगाम लगाने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक घोष के द्वारा एक ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जो कि अगले 6 माह के अंदर 25 जिलों में लागू कर दिया जाएगा। वहीं एयर क्वालिटी नापने के लिए बीते दिनों नए मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसकी सहायता से उन सभी शहरों में प्रदूषण को रोका जाएगा जहां की हवा 100 AQI से अधिक है। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए DM को यह निर्देश दिया गया है कि वह इस पर कार्रवाई करे और साथ ही कार्रवाई के दौरान जो भी ब्यौरा मिलता है उसे भेजा जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर पर्यावरण संबंधी कोई नियम बनाए जाते हैं तो उसके एक्शन प्लान को लागू करने के लिए 1 साल का समय लगता है और यही वजह है कि ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार होने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है। 1 दिसंबर से आपके जीवन से जुड़े इन नियमों में हो सकता है बदलाव। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसे में 1 दिसंबर 2022 से आपके जीवन से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि अमूमन हर महीने की 1 तारीख को पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को तय किया जाता है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि 1 दिसंबर से इसमें भी बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही पेंशन लेने वाले पेंशनर्स अगर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं तो उनके पेंशन मिलने में परेशानी हो सकती है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने से ATM से पैसे निकालने के नियमों में भी बदलाव हो सकता है। अब जिलों के बॉर्डर पर भी होगी शराब की चेकिंग। शराब की बढ़ती तस्करी को देखते हुए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब राज्यों की सीमा के साथ साथ जिलों की सीमा पर भी शराब की चेकिंग की जाएगी। बता दें कि इसके लिए जल्द ही जिलों के सीमा पर चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा। वहीं इसकी शुरुआत सबसे पहले पटना और मुजफ्फरपुर में 1 दिसंबर से की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी मद्य निषेध व उत्पाद विभाग के दरोगा या फिर जमादार के हाथों में होगी। इन 2 जिलों के बाद ही बिहार के अन्य जिलों की सीमाओं पर भी चेक पोस्ट लगाने का काम किया जाएगा। फिलहाल वर्तमान में ऐसे 67 चेक पोस्ट कार्यरत है, जिनमें से अधिकांश चेक पोस्ट पड़ोसी राज्यों से लगे जिलों और नेपाल से लगी सीमा के आसपास है।
बिहार में स्टार्टअप के लिए यहां से कर सकते हैं आवेदन। अगर आप भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बिहार बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौड्रिक के अनुसार बिहार स्टार्टअप फंड की ओर से सीड कैपिटल से लेकर हैंड होल्डिंग और वेंचर कैपिटल प्राप्त करने में सहायता सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं इस नीति के तहत सरकार की ओर से 3 लाख रुपए का सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। बताते चले कि इसके लिए को वर्किंग स्पेस की भी व्यवस्था की गई है जो कि 2023 तक आवंटित कर दी जाएगी। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई करें तो बता दें कि आप पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए पोर्टल 1 दिसंबर को खोल दिया जाएगा, जहां उम्मीदवार 1 महीने तक आवेदन कर सकते हैं। बिजली परियोजना सौगात पर बोले नीतीश। बीते दिन बुधवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिजली विभाग के कई परियोजनाओं को लोकार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार लोगों को आसानी से बिजली उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। यहां कई नए प्रोजेक्ट पर काम किए जा रहे हैं ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके। वहीं प्रदेश में कई जिलों में प्रीपेड मीटर लगाने की भी शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महंगी बिजली खरीदने के बावजूद लोगों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराती है ताकि यहां के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं जो लोग कहती हैं कि बिजली फ्री में मिलना चाहिए या बिजली बिल माफ होना चाहिए, सभी अनाप शनाप बातें हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यहां के सरकार के द्वारा पहले से ही बिजली बिल को काफी कम रखा गया है, इसलिए इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। यूएस के फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में जुड़ा बिहार के इस छात्र का नाम। बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले सत्यम मिश्रा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बराबरी कर ली है। दरअसल इनका चयन यूएस इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टीचर्स एक्सचेंज ब्रांच की ओर से आयोजित फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक वर्ष इस स्कॉलरशिप के लिए भारत के 4 लोगों का चयन किया जाता है, तो वहीं पूरी दुनिया से 40 लोगों का। अपनी इसी सफलता को लेकर सत्यम मिश्रा का कहना है कि अब वे एक सेमेस्टर अमेरिका में टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, मास्क लेवल, लिटरेसी जैसे कई विषयों पर शोध करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कॉलरशिप के लिए ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी चयन किया गया था। वहीं सत्यम ने भी इस स्कॉलरशिप को हासिल कर ऋषि सुनक की बराबरी कर ली है। बताते चले कि सत्यम बिहार के ऐसे पहले शिक्षक है जिनका चयन इस स्कॉलरशिप के लिए हुआ है। राज्य में 7 और नए यातायात जिले बनाने को मिली मंजूरी। राज्य में वाहनों के परिचालन के सुचारू संचालन के लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए 7 नए यातायात स्टेशन बनाए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। साथ ही 7 यातायात जिलों के लिए 1-1 यातायात पुलिस उप अधीक्षक के पद भी सृजित किए जाएंगे। पद के सृजन के लिए पद वर्ग समिति की सहमति ली जा रही है। बताते चले कि राज्य में 19 नगर निगम है, इनमें 12 निगम वाले जिले को पहले से ही यातायात जिला घोषित किया जा चुका है और अब से बचे 7 जिलों को यातायात जिला बनाने की मंजूरी बिहार सरकार द्वारा मिल चुकी है। यातायात जिला घोषित होने के बाद वहां आधुनिक उपकरणों से लैस वाहन परिवहन विभाग द्वारा दिए जाएंगे। इन वाहनों के माध्यम से निर्धारित से अधिक गति में चल रहे वाहनों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। बिहार के नागिन नकटी पक्षी अभयारण्य को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा बिहार सरकार के माध्यम से भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें कि यह प्रस्ताव बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने से जुड़ा है। जिला वन पदाधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जल्द ही इस प्रस्ताव पर भारत सरकार और अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिसके बाद इस अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जा सकेगा। बताते चले कि इस अभयारण्य को अगर अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया जाता है तो यहां और भी कई प्रकार की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही पक्षियों की सुरक्षा, संरक्षण और देखभाल के लिए अलग अलग देशों के द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से फंड उपलब्ध कराए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां 230 से अधिक पक्षी आते हैं, जिस वजह से इसे पूरे देश में ख्याति मिली है। प्रखंडों में नए अधिकारी की होगी बहाली। प्रखंड स्तर पर सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए नए सिरे से अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। इसे लेकर योजना एवं विकास विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से 534 कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों के पद के सृजन को मंजूरी दे दी गई है, जो 1-1 पद के सृजन को संभालेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि पहले से निदेशालय स्तर पर सृजित 235 पदों को निदेशालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालयों से हटाते हुए
35 प्रखंडों में एक एक पद सृजित करने की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं बचे 299 प्रखंडों में एक एक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के नए पदों पर सृजन की मंजूरी दी गई है। वहीं से लेकर योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा यह कहा गया है कि सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम से केंद्र राज्य की योजनाओं को लेकर सरकार के बीच बेहतर समन्वय होगा। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और यह 29 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 11 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 28% रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय हवा गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात के तापमान की बात की जाए तो रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बिहार के 8000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। अक्सर बिहार में नियोजित शिक्षक की योग्यता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में अब 8000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि बता दें कि उनकी नौकरी खत्म करने से पहले सरकार के द्वारा उन्हें आखिरी मौका दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि होने वाले शिक्षक दक्षता परीक्षा में बिहार के 8000 शिक्षकों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा और अगर ये 8000 शिक्षक इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें न्यायालय के आदेश पर हटा दिया जाएगा। बताते चले कि इस परीक्षा में वे शिक्षक बैठेंगे जो पहली बार शिक्षक दक्षता परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे। वहीं कुछ वैसे शिक्षक हैं जो इस परीक्षा को नहीं दे पाए थे। हालांकि अभी तक यह जानकारी नहीं दी गई है कि शिक्षक दक्षता की यह परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, लेकिन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा इस परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही है। बिहार में मिली 1 करोड़ वाली टोकाई छिपकली। बिहार के पूर्णिया में पुलिस के द्वारा एक ऐसे छिपकली को बरामद किया गया है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बता दें कि इस छिपकली को पश्चिम बंगाल के कड़ी क्षेत्र से लाया गया था, जिसके बाद इसे तस्करी के द्वारा दिल्ली ले जाया जा रहा था, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा एक दवा दुकान ताज मेडिसिन हॉल में छापेमारी कर बरामद किया गया और साथ ही 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। बताते चले कि यह छिपकली टोकाई गेयोको के नस्ल की है। वहीं 82 SDPO के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दुकान से 50 पैकेट कोडीन युक्त कफ सिरप भी बरामद किया गया है। वहीं इनके अनुसार जल्द ही इस मामले से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस छिपकली का उपयोग दवाओं के रूप में किया जाता है। नौलखा महल इस वजह से है बेहद खास। नौलखा पैलेस, जिसे राजनगर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, भारत के बिहार में मधुबनी के पास राजनगर शहर में एक शाही ब्राह्मण महल है। इस महल का निर्माण दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था। यह परिसर 1500 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें देवी देवताओं के 11 मंदिर और कई किले और महल शामिल है। 1934 के बिहार नेपाल भूकंप के दौरान इसे काफी नुकसान हुआ और इसका पुनर्निर्माण कभी नहीं किया गया। स्मारक के निर्माण में नक्काशी की 22 परतों तक का उपयोग किया गया था। ताजमहल से बड़ा, जिसमें अधिकतम 15 परतें हैं। इसका काली मंदिर हाथी दांत और सफेद संगमरमर से बना है, जो ताजमहल जैसा दिखता है। पोर्टिको में सीमेंट से निर्मित 4 हाथियों पर खड़े मेहराब हैं और कथित तौर पर भारत में पहली सीमेंट संरचनाओं में से एक है। सबसे पुरानी जीवित मिथिला पेंटिंग महल के उस कमरे में जहाँ परिवार के देवता को रखा जाता है में पाया जाता है। बिहार के फर्जी फार्मासिस्ट पर होगा एक्शन। बिहार में बढ़ते फर्जी फार्मासिस्ट से जुड़े मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है। बता दें कि कोर्ट के द्वारा इसके लिए फार्मेसी काउंसिल और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। कोर्ट के द्वारा उच्च न्यायालय को यह आदेश दिया गया है कि बिहार राज्य और बिहार फार्मेसी परिषद से ऐसे फर्जी फार्मासिस्ट की लिस्ट मांगे जो सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर और प्राइवेट अस्पतालों में रहते हैं। वहीं अगर रिट याचिका में ऐसा कोई फार्मासिस्ट मौजूद है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बता दें कि जस्टिस MR शाह और जस्टिस MM सुंदरेश की खंडपीठ के द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका को बहाल किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में अस्पताल या मेडिकल स्टोर फर्जी फार्मासिस्ट के द्वारा चलाई जाती है तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और उनका हेल्थ और भी खराब होगा। तेजस्वी उतरे कुढ़नी उपचुनाव में, मंच से भरे हुंकार।
कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीते दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुढ़नी पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि सीएम नीतीश और लालू यादव ने मिलकर मनोज कुशवाहा को कुढ़नी उपचुनाव का प्रत्याशी चुना है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उन्हें जिताने का काम करें। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, वे लोग सिर्फ झूठा प्रचार और जुमलेबाजी करते हैं। बीजेपी चाहती थी कि बिहार में सांप्रदायिकता फैलाई जाए, लेकिन सीएम नीतीश और लालू यादव के रहते हुए किसी के मायके लाल में दम नहीं है कि ऐसा काम करे। भाजपा वाले ने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, सेना में बहाली को ठेका पर कर दिया, 4 साल नौकरी करने के बाद ये जवान कहां जाएंगे। ये लोग महाराष्ट्र की तरह खेला ही बिहार में भी करना चाहते थे, लेकिन यहां दूसरा खेला हो गया। शराबबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान। आए दिन बिहार में शराबबंदी को लेकर नए नए बयान सामने आते रहते हैं। वहीं एक बार फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर नया बयान दिया है। उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को शराबबंदी में तारी को शामिल नहीं करना चाहिए था, उन्होंने इसे शामिल करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कहा कि तारी कोई शराब नहीं बल्कि प्राकृतिक जूस है, इसे कई परिवारों का गुजारा चलता है। अगर नीतीश सरकार तारी को शराब से अलग कर देते हैं तो इससे पिछड़े और गरीब वर्ग के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो भी सोचते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं, लेकिन शराबबंदी में उनसे चूक हो गई। प्रशांत किशोर ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने जनसुराज यात्रा के दौरान बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शिक्षा के लिए जरूरी बिल्डिंग, शिक्षक और विद्यार्थी नहीं है, यहाँ स्कूल केवल खिचड़ी बांटने के लिए है। शैक्षणिक माहौल जो स्कूलों में होना चाहिए वो नहीं है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उदाहरण के तौर पर एक बात जो हम लोगों के सामने आई है वो है कि हर प्रखंड में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस हो, जहाँ नेत्राहट जैसी शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसे 500 विद्यालय हर साल खोले जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो बजट है उसका एक हिस्सा इस काम में खर्च होना चाहिए, इस तरह अगले 5 साल में बिहार में 2500 से 3000 ऐसे स्कूल हो जाएंगे, हर व्यक्ति के घर के 10 किलोमीटर के भीतर एक ऐसा स्कूल मौजूद होगा। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद गिल और अय्यर को हुआ फायदा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम की ओर से भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। बता दें कि बीते दिन हुए इस मैच के बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को फायदा ताजा जारी आईसीसी रैंकिंग में मिला है। बताते चले कि सीरीज में अर्धशतक जुड़ने से अय्यर 6 पायदान और गिल 3 पायदान की छलांग से क्रमशः 27वें और 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि भारतीय टीम का दूसरा और तीसरा वनडे बारिश की भेंट चढ़ने के कारण सीरीज 0-1 से गंवानी पड़ी। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों को आईसीसी रैंकिंग में फायदा मिला है उनमें न्यूजीलैंड के टॉम लैथम और केन विलियमसन मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें कि लैथम ने 104 गेंद में नाबाद 145 रन बनाए थे, जिससे वह 10 पायदान की छलांग से 18वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं कप्तान विलियमसन ने नाबाद 94 रन की पारी खेलकर शीर्ष 10 में प्रवेश किए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। कोलकाता और ढाका के बीच 1933 में विमान सेवा की शुरुआत हुई। बाहरी अंतरिक्ष से 1959 में पृथ्वी का पहला रंगीन फोटो लिया गया। नागालैंड 1963 में भारत का 16वां राज्य बना। एड्स जागरूकता दिवस की 1991 में शुरुआत हुई। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शिव चंद्र झा का 2008 में निधन हुआ। 10वां मुगल बादशाह रफी उद्दराजात का जन्म 1699 में हुआ। भारत के सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप का जन्म 1886 में हुआ। रणवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर सैतान सिंह का जन्म 1924 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता राकेश बेदी का जन्म 1954 में हुआ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुई। भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक काका कालेलकर का जन्म 1885 में हुआ। प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटकर का जन्म 1954 में हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन तथा महिला स्वतंत्रता सेनानी विजय लक्ष्मी पंडित का 1990 में निधन हुआ। भारतीय शेयर बाजार ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले कई सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है और इसी के साथ पहली बार सेंसेक्स 63,000 के आंकड़े पार कर चुकी है। बता दें कि दरअसल सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बम्पर उछाल देखा गया। पहली बार सेंसेक्स की क्लोजिंग 63,000 अंक को पार की गई थी, वहीं निफ्टी भी 19,000 अंक के पास पहुंच गई। बताते चले कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 63,303.01 अंक के स्तर को टच किया।
किया, जो इंडेक्स के अब तक का उच्चतम स्तर है। निफ्टी की बात करें तो कारोबार के दौरान निफ्टी ने 18,820 अंक के अंतर को टच कर दिया। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ज्ञानवीर योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ज्ञानवीर योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ज्ञानवीर योजना के तहत पंजीकरण करने पर सभी युवाओं को प्रति माह 3400 रुपए दिए जाएंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। इस तरह की किसी वेबसाइट लिंक पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। ऐसे संदेशों को फॉरवर्ड करने से पहले फैक्ट चेक जरूर कर ले। अब व्हाट्सएप पर खुद से कर सकेंगे बात। व्हाट्सएप लेकर आ रहा है मैसेज योरसेल्फ फीचर। बता दे कि यह एक 1.1 चैट फीचर है, जिसकी मदद से आप रिमाइंडर टू डू लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स खुद के साथ शेयर करके उसे सेव कर सकते हैं। व्हाट्सएप का यह नया फीचर आपको आजादी देता है खुद से बात करने की। वहीं इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी खास ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप ओपन करना होगा। ऐप ओपन करने के बाद नीचे राइट कॉर्नर पर दिए गए एक्सेस बटन पर क्लिक करना होगा। यहां आपको ऊपर की तरफ कॉन्टेक्ट लिस्ट दिखाई देगा। इस अपडेट के आने के बाद आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट पर आपका नाम दिखाई देने लगेगा। आपके नाम पर क्लिक करके आप खुद से ही चैट कर सकेंगे। सुकन्या समृद्धि के तहत अब 3 बेटियों का भी खुल सकेगा खाता, जानिए डिटेल्स। सरकार के द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए वरदान साबित हो रहा है, लेकिन अब सरकार के द्वारा इस योजना में कुछ बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि नए नियम के अनुसार अब वैसे लोग जो समृद्धि योजना में निवेश करना चाहते हैं या खाता बंद करना चाहते हैं, वे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही अब अगर एक बेटी के बाद जुड़वा बेटी का जन्म होता है तो उनका भी खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खोला जा सकता है। यानी कि अब 3 बेटियों को एक साथ सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ा जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस खाते में बेटियों के नाम से हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत की जाती है और जब बेटी 21 साल की हो जाती है तो बेटियों को लाखों रुपए मिलते हैं। इस योजना के तहत कम से कम सालाना 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही नियम में बदलाव करते हुए अब एक और नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत अब 18 साल से पहले बेटियों को खाता अपडेट करने की जरूरत नहीं है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नरेश राम, मृत्युंजय कुमार, जितेंद्र रविदास, गुरुदेव मंडल, रंजीत कुमार ठाकुर, पंकज कुमार दास, राजीव कुमार, मुतु रंगीला, राहुल, कविता कुमारी, रघुनंदन कुमार, के सिन्हा, बाबूलाल मरांडी, भान प्रकाश मौर्य, नुन्नू गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, न्यूजीलैंड के साथ हुई वनडे सीरीज में भारत की हार के मुख्य कारण क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।